और ये देखें आप लोग, ये चूल्हे जलते रहते हैं, ये रहती है इसलिए गरम हर वक्त। और ये आ गई गर्मा गर्म हमारी मटन कढ़ाई, और ये सारे आ गए बंद। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब लोग? इसी उम्मीद के साथ कि आप होंगे बिल्कुल ठीक, मैं भी हूँ एकदम जबरदस्त। सो गाइज, रमजान कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के, मुझे जल्दी से कमेंट डाउन के अंदर बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रमजान तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग से जा रहे हैं। और आज जो है ब्लॉग में बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ, ऑलमोस्ट कोई रात के 10:30-11 बज रहे हैं जिस टाइम के ऊपर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लेट ब्लॉग करके स्टार्ट क्या ज़रूरत थी, और मैं इतनी रात में क्यों इतना सारा तैयार हुई भी हूँ। तो अभी जो है मेरा और जिशान का प्लान बना है कि हम जा रहे हैं सैरी करने के लिए, और आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी सैरी करवाने अपने साथ, वो भी बुफे के ऊपर। तो अब हम कौन से बुफे पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये मैं आप लोगों को पहुँच कर बताऊँगी। आप लोगों ने किधर किधर सैरी की है और आप लोग कौन कौन से रेस्टोरेंट्स गए हो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। और गाइस, अगर अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के बटन को भी दबा दो ताकि मेरी मजे मजे की वीडियोस आप लोगों को मिलती जाएं, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी करना है। तो अभी चलते हैं हम, और फिर मैं आपको बताती हूँ पहुँच के कि हम किधर आए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, टाइम के ऊपर जो है हम आ गए हैं क्लॉक टावर पे, और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्लॉक टावर की बुफे सैरी। और यहाँ पर 75 डिशेस हैं, और कैसी हैं डिशेस में क्या क्या है वो तो अभी हम बुफे के सेक्शन में चलते हैं और वहाँ पर चलकर फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये ब्लॉग जब आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों का होगा रोज़ा, तो आप लोगों के सबके बड़े ही मुँह में पानी आने वाला है, लेकिन अभी वीकेंड होगा तो आप लोग इस सैरी को इंजॉय कर सकते हो। तो अब जो है हम जाने लगे हैं अपने बुफे की तरफ, और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बुफे में क्या क्या है। और जिशान साहब जो है वो आज अपनी डाइटिंग छोड़ कर जो है वो बुफे खाएंगे, तो बड़े ही कोई एक्साइटेड हैं जिशान साहब इस मोमेंट के ऊपर। और अब चलते हैं बुफे की तरफ। ये हम जा रहे हैं बुफे की तरफ, एंट्री करने लगे हैं और सुपर एक्साइटेड जी। ये आ गए हैं हमारे अचार के सेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट अचार हैं यहाँ, गार्लिक अचार, लहसुन का अचार। देखो जरा लहसुन का अचार, बड़ी मजे की आ रही है इस लहसुन के अचार से। और ये आ गई हमारी मजेदार सी आलू बुखारा, मुझे बहुत पसंद है ये, आई लव इट। मीठी मीठी पसंद है तुम्हें? खट्टी मीठी। और यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सी जो है ना वो सैलेड्स मिलती हैं। भाई यहाँ पर निशान साहब आपका दूध भी रखा है, दूध और ओट है भाई। ये कॉर्नफ्लेक्स और सेरेलेक्स मिलते हैं, आपने ये भी तो खाना होगा ना? हाँ जी, मैंने ये भी खाना होगा। और यार सबसे मजे की चीज़ यार शहद, ये शहद और यहाँ पर आपको जैम भी मिलती है, न्यूट्रेला भी मिल रही है। और यार सबसे मजे का सीन ये ताज़ा ताज़ा दही, ये सारे आ गए पंच। ये सारी आ गई ब्रेड्स, लाइक ब्राउन ब्रेड भी है, व्हाइट ब्रेड, हर चीज की। वैसे हम तो इस तरीके की टोकरी के अंदर बच्चे को लिटाते हैं। और अभी इस टाइम पे हम आ चुके हैं बारबेक्यू के सेक्शन में। टर्किश कबाब, चलो यार टर्किश कबाब भी दे दो और चिकन बोटी दे दो, मुंह में तो पानी आ रहा है। चल तुम्हें खाने टर्किश नहीं, मुझे नहीं खाने। मैं तो यहीं से हूं। हाँ जी, कैसे कबाब? तो सुपर लव, मजेदार मजेदार। ये है फ्राइड फिश,
मजेदार मजेदार। अभी हम खाएंगे तो पता लगेगा। और वहाँ देखो ताजी ताजी बन भी रही है भाई। ये आ गई है भाई कीमा, और कीमे के साथ है ठीक है आलू, आलू की भुजिया कीमा भी अभी ट्राई करेंगे। और ये आ गया है प्रॉन कढ़ाई, ये है असल चीज खाने वाली। ये भाई मैं तो ये खाऊंगी सबसे पहले। और ये गई मेरी प्लेट में गर्मा गर्म, यम्मी। और ये क्या पालक पनीर, और एक मैगी पालक पनीर, पालक के साथ पनीर, फुल देसी खाने का। तो सारे सब जो है टूटी हुई है भाई, दबा के फुल ऑन देसी है मेरी आज डाइट वाइट कुछ भी नहीं है। और ये आ गए गर्मा गर्म नान। रुखसार ऑन फुल ऑन भाई, प्लेट तुम्हारी देख लो कितनी भर गई है। यस ये है मेरा राउंड राउंड वन। ओके गाइस तो ये आ गया है राउंड वन, और ये पालक पनीर बड़े मज़े की लग रही है। और आ गए हैं मेरे साथ प्रॉन, और ये आ गई है फिश। तो ये मैंने फुल ऑन जो है ना देसी तड़के वाली अपनी प्लेट बना ली है। और अब लेते हैं हम पहला बाइट, और ये हमारा पहला बाइट जो है बन रहा है। ये हमने पनीर तोड़ा और ये पालक में बनाया बाइट, और ये आप लोग चेक करो ये बन गया है मेरा बाइट। और अब लेते हैं हम टेस्ट करके बताती हूँ मैं कैसा है। और अब ये बाइट जो है ये जाने लगे है मेरे मुंह में। जबरदस्त मजेदार। अच्छा मेरे तो गेम ये है, मैं आधे जो कबाब खा के आ गया और आधा जो है मैंने यहाँ डाइट में मुझे मिल गए अंडे। तो डाइट में अंडे तो साथ साथ चलेंगे चलेंगे, अंडे तो लेंगे। चिपके का गेम जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। नमक हल्का उसे ज़्यादा है, बहुत मज़े का है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये अंडे क्यों लेकर आए, मतलब यहाँ पे भी डाइटिंग, मतलब बुफे पे आके कौन डाइट करता है भाई। प्रोटीन इंटेक लेनी चाहिए, फिश और अंडे प्रोटीन फुल ऑन। फिश चेक करो यार कैसी है फिश टेस्ट में, बहुत मज़े की है। टेस्टी बहुत मजे की, क्रिस्पी फ्रेश और बहुत मजे की। ओए होए होए ये जो फिश है इसने तो क्या गेम चेंज किए, इतनी मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाली फिश है, ज़बरदस्त। इसको खाकर तो मज़ा ही आ गया, पैसे सारे वसूल कर लिए इस मछली ने। बहुत मज़ेदार है ये मछली। ओए होए ये बेस्ट है। तो आज मेरा फुल ऑन देसी खाने का मूड है। और अब जो है पीने लगी हूँ यहाँ पर मटन ब्रेन मसाला, और अब मैं ब्रेन मसाला टेस्ट करके बताऊँगी आपको कि कैसा है। और इसके साथ तो मैं लूँगी परौठा। क्या आ गया हमारी प्लेट, और ये हमने डाल लिया गर्मा गर्म मज़ेदार सा कीमा। ये बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे, कच्चेदार पराठा। और ये आ गया है बिरयानी लवर बिरयानी में। और ये चेक करो अब कितनी बड़ी देग है। मैं भी देग वाला बन गया हूँ, गर्मा गर्म धुएं निकल रहे हैं बिल्कुल। थैंक यू यार। आलू ये बोटियाँ ही आ रही हैं, आलू नहीं है क्या? चलो भाई मेरी तो बिरयानी हो गई, आलू कहीं नज़र नहीं आया मुझे अभी तक। बिरयानी और बिरयानी टेस्ट करते हैं बॉस। बिरयानी का कुछ हैवी गेम चल रहा है तो बिरयानी अच्छी है, मगर वही एक टिपिकल फ्लेवर है बिरयानी का। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, बस ठीक है, बट कोई ज़्यादा वो डेली बिरयानी वाला टच नहीं आ रहा, मगर अच्छी है। मतलब ये बिरयानी आप इस व्यू के साथ खा सकते हैं। बिरयानी ऑल टाइम फेवरेट है, कभी मना नहीं कर सकता। और आप क्या देखिए साथ में जो है कीमा है, कीमा। और ये इग्नोर करो ये फिश है,
मैं एक और फिश उठा के ले आया, कीमा ट्राई करते हैं। और कीमा तो, कीमे का क्या गेम है यार, कीमा तो बड़े दिनों से चाह थी कीमे की। कीमा मजे का, कीमा वाकई में टेस्टी है। तुमने ट्राई किया? नहीं। तुम क्या लाई हो, ब्रेन मसाला? हाँ जी, और मैं लेके आई हूँ अपने लिए ब्रेन मसाला, और साथ में मैं भी कीमा लेके आई हूँ, और लेकिन मैं लेके आई हूँ साथ में लच्छेदार पराठे। और अब मैं इसको टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा है फ्लेवर। ओके गाइस, तो ये मैंने पराठा ले लिया है अपना लच्छेदार, बिल्कुल कड़क कड़क, और इसमें जो है मैं ब्रेन मसाला डाल रही हूँ। और ये चेक करो मेरा बाइट, और अब हम खाते हैं। क्या फ्लेवर है इसकी, और क्या टेस्ट है। जो भी चीज़ खा रही हूँ ना वैसे मैं यहाँ पर, वो एक से बढ़कर एक चीज़ है, और फ्लेवर्स बहुत मज़े के। आई रियली लव इट। निशान आप ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का है। मैं ट्राई करता हूँ, ये करके ट्राई करते हैं। और अब जो है मैं कीमा, कीमे का वाकई में जो टेक्सचर है ना, सब देखो मोटा 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 कीमा है। अब हम कीमा लेते हैं और कीमे को हम टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे। लाइट बना रही थी तो मुझे फील हो रहा था कि वो कोई स्मेल ना आए कीमा में से, क्योंकि मोटा कीमा, लेकिन बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को दो स्लॉट्स मिलते हैं, ठीक है, सैरी के। और वो दो स्लॉट्स आप लोगों को इस तरीके से मिल रहे हैं कि एक स्लॉट है सुबह 12 से, सॉरी, रात 12 से 2 बजे तक का आपको स्लॉट मिलता है, और एक स्लॉट है यहाँ पर 2 से सुबह 4 बजे तक का। और मैं जिस स्लॉट के ऊपर आई हुई हूँ, वो मैं आई हुई हूँ 12 बजे से 2 बजे वाले स्लॉट के ऊपर, क्योंकि घर जाते जाते भी टाइम लगता है, और फिर जो है आप थोड़ा सा सेटल हो जाते, फिर सोते हो आप ना चाय वगैरह आराम से पीकर। तो लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि क्लॉक टावर खाली हो, अभी भी फुल हो चुका है। और नो डाउट अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें ली हैं वो बेस्ट है। और ये देखें आप लोग, ये चूल्हे जलते रहते हैं, ये रहती है इसलिए गरम हर वक्त। और ये आ गई गर्मा गर्म हमारी मटन कढ़ाई, और ये है मटन कढ़ाई के शेफ। आपने बनाई है यहाँ खाना ऑमलेट? यहाँ बन रहे हैं लाइव ऑमलेट, वो देखिए भाई, लाइव सेक्शन ऑमलेट चल रहे हैं, और यहाँ जो है ज़रूरतमंद बंदा खड़ा हुआ है ऑमलेट के लिए। ऑमलेट चिकन है और मशरूम चीज है, ठीक है। कौन सा खाना भाई? मशरूम चीज़ कर दे। मशरूम चीज़ कर दे, मशरूम चीज़ खाना बच्चे ने। यस। यार ये होती है लाइव कुकिंग की बात ना। मशरूम चीज ऑमलेट आ गया। हाँ, ये आ गया मेरा मशरूम चीज ऑमलेट, और ये अब हम खाएंगे पराठे के साथ। चले आए, पराठा दीजिए। ये रहा भाई पराठा तैयार है, ये गरम है। वो कह रहे भाई गरम है। ये आ गया पराठा मशरूम चीज ऑमलेट के साथ, और लेट्स गो। अब मैं लूंगी अंडा चना। मटन की जो बात है ना, कढ़ाई है
अगर ये कढ़ाई पास हो गई ना तो सब पास हो गया। अरे ये हो गया बोटी मटन की। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, माइल्ड टेस्ट है, अच्छी है, पूरी नहीं कह सकते, अच्छी है, मगर पास है, पास है। मटन गला हुआ होना चाहिए भाई, वाओ है या नहीं, वाओ नहीं कह सकते, सही है, अच्छी है, बुरी नहीं है, मज़ेदार है। मैं गला हुआ सही है मटन। मैं तो ढूंढ रहा था कि मटन का जो है ना वो चर्बी वाला मोड हो जाए, ये थोड़ा सा फैटी टच जो होता है ना मटन का वो। आज ईशान ने जितने अरसे की डाइट थी ना वो सब, और ये साथ में आ गया मगज, ये मगज का बाइंड लगाते हैं साथ में दही में, ये आ गया। बकरे के दोनों आइटम, बकरे की बोटियां भी, बकरे का मगज भी, बहुत मजा आ रहा है, फुल ऑन देसी पार्टी चल रही है। जन फिर से कबाब, हाँ फिर से, फिर से बारबेक्यू, फिर से तुम्हारे लिए ले जा रहा है। नहीं मैंने नहीं कहा है, आपको पता है आई एम नॉट अ बारबेक्यू फैन। नहीं मैंने बस के लिए तुम्हारे लिए देख रहा था कि सही पता है या नहीं। अच्छा नहीं, धोखेबाजी तो नहीं की थी, ये कच्चा छोड़ दिया। अच्छा और कुछ गोटा डाला, और ये गोटा लगा के ये यू देखो, ये गोटा लगा रहा है अलीम भाई, अभी अलीम का सीजन आएगा, और ये आदमी कह रहा था कि मैंने बस किया। यार बस को मैं तुम्हें दिखाने के लिए जा रहा था कि तुम्हें बुरा लग गया, मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे रहा, मगर तुम खाने वाली बस बनी नहीं हो। और ये छोटी सी क्यूट सी बेबी के जो है ना पैनकेक्स रेडी हो रहे हैं, और ये क्लब सैंडविच छोटा सैंडविच ले जा रहे हैं, छोटा क्यूट बच्चा भी जा रहा है खाना लेके। ये आ गया हमारा दूध, बच्चा इधर बुफे में आके कॉर्नफ्लेक्स खा रहा है। कॉर्नफ्लेक्स कौन खाता है? सब ट्राई करना। मैं पूरे हर टाइम पॉरेज खाता हूँ, तुम ये कॉर्नफ्लेक्स खाती हो? आई लाइक कॉर्नफ्लेक्स। ओके गाइस, तो ये है मेरा लास्ट राउंड, और ये मैं ले आई हूँ अपने लिए दही, एक गुलाब जामुन और छोटा सा बन, और ये आ गई है हमारी चाय। कैसी चाय है? आपके फेस एक्सप्रेशन ने बता दिया कि चाय कैसी है। इंग्लिश टी, इंग्लिश टी है, कड़क चाय नहीं है, कड़क चाय नहीं है, दिमाग को लगने वाली चाय नहीं है, शहरी में मजा नहीं आएगा वो कड़क चाय, तो मतलब घर से भी नहीं बढ़िया लगता, घर जाके बनाएंगे अब कड़क चाय। हां अभी तक तो मेरा का दिल करता है घर ही आना पड़ेगा। यार आप बुफे में आके आप क्या खाओगे, ठीक है, और ये देखो ये इंसान क्या खा रहा है, अगर आप चेक करो, चाय बन कौन खाता है भाई, चाय बन घर में भी मिलता है, यहाँ आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हो। मैंने अच्छी अच्छी सारी चीज़ें खा ली, अब ये मेरा जो है ना एंडिंग मोमेंट चल रहा है, एंडिंग मोमेंट चल रहा है, चाय के बाद दही, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है सर, चाय के बाद दही, क्योंकि चाय मज़े की नहीं है, ऐसे में दही पे एंडिंग करूँगी। यार बाकी में चाय मज़े की नहीं है, मगर चाय बन कौन खाता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखकर दिखाएं कि लिखकर बताएं कि कौन खाता है चाय बन, मैं तो कभी ना खाऊं। रुक सा रुक सा रुक सा, ये कि बड़ा मज़ा है यार, एंजॉय किया वैसे, इट वॉज अ डिफरेंट मतलब प्लेस, और एमियाज बहुत अच्छा है, बीच के सामने बहुत खूबसूरत व्यू है यार, बाहर जो हवा चल रही है ना इस वक्त ना पूछो। आमिर सर,
कैसा लग रहा है? पहाड़ का व्यू और आप लोग चेक कर सकते हो हमारे फुल ऑन चटनियों बहुत ही खूबसूरत सा एम्बियान से पहाड़ का व्यू। चलो आओ चल के देखते हैं। क्लॉक टावर का ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं अपना तो इट इज़ वर्थ कमिंग प्लेस। और यहाँ की सैरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ के, लेकिन सारी जो डिशेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी हैं और बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट है। येस, कुछ डिशेस जो है वो ऐसी नहीं थी कि बहुत बुरी हो, लेकिन ऐसी थी कि वाओ भी नहीं कह सकते। लेकिन ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो येस इट वॉज वर्थ कमिंग, प्लस बहुत मज़ेदार खाना था और बहुत मज़ा आया। सो इट इज़ मज़ेदार। सो अब जो है इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट कीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।